हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी, जिसके लिए हमें देखिए क्या क्या चाहिए होगा। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। ये मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 टमाटर लिया है, इसको भी बारीक कट करके रख लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको देखिए मैंने ऐसे लच्छे बनाकर रख लिए हैं। धनिया लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लीजिए फ्रेंड, तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा और इसको भून लूँगी। जीरा अब हमारा भून चुका है, इसमें मैं डाल दूँगी अदरक और इसको भी हल्का भून लूँगी। अदरक हमारा भून चुका है, मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटे हुए प्याज और इसको भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके हम इसको भून लेंगे। लीजिए प्याज हमारी भून चुकी है, अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ धनिया टमाटर। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। इसको डालकर अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें अब मैं डाल दूंगी पनीर ग्रेट किया हुआ और इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। लीजिए पनीर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसको 1 मिनट के लिए मैं ऐसे ही थोड़ा पका लूंगी। लीजिए 1 मिनट भी हो चुका है, हमारी भुर्जी बनकर खाने के लिए तैयार है। मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे सर्व कर दूंगी। लीजिए फ्रेंड, पनीर भुर्जी बनकर के तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।